एक्सप्रेशन फॉर क्यू फैक्टर निकलता कैसे है। वो ये कहता है कि ओमेगा आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा वन ओमेगा टू वो फ्रीक्वेंसीज है जब करंट वन बाय रूट टू टाइम्स हो गया मैक्सिमम के। तो मान लो वो कहता है जी रेजोनेंस हो गई, अगर रेजोनेंस हो गई तो इम्पीडेंस इसके इक्वल है ना, इम्पीडेंस तो इसके इक्वल है ही है, और अगर रेजोनेंस हो गई तो ये वैल्यूज कैंसिल होगी, आर हो जाएगा। और अगर रेजोनेंस नहीं हुई तो उस केस में मान लो जेड किसके इक्वल है, रूट टू आर। अब जेड रूट टू आर कब होता है, एक बात बताओ, जेड आर के इक्वल कब होता है जब रेजोनेंस है, और रूट टू आर कब होता है जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा वन और ओमेगा टू है, क्योंकि ई नॉट के नीचे ये पूरी टर्म क्या कहलाती है, जेड। तो जेड की वैल्यू जब रूट टू आर है, जेड की वैल्यू रूट टू आर है, तो यहां से स्क्वेयरिंग करके ओमेगा के दो रूट्स निकलेंगे, ओमेगा वन एंड ओमेगा टू, क्योंकि रूट टू आर दो वैल्यूज पर निकली है, एक ओमेगा वन और ओमेगा टू। तो ये दो इक्वेशन बनेगी ओमेगा वन ओमेगा टू में, इन्हें ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा, नहीं करना कोई इच्छुक को तो कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड का रिजल्ट ये आएगा। आप इसे नोट कर सकते हैं कि क्यू वैल्यू की जो सेकेंड डेफिनेशन इस डेरिवेशन से जो एंड रिजल्ट आता है वो ये आता है, फॉर्मुला बुकलेट में नोट कर लेना चाहिए कि क्यू वैल्यू की डेफिनेशन है वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस एल, वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस आर, और वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस सी डिवाइडेड बाय वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस आर। तो जो डेरिवेशन है वो एंड रिजल्ट ये देती है, हमने डेरिवेशन तो करनी नहीं है, हम एंड रिजल्ट करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस एल अपॉन वोल्टेज अक्रॉस आर, कब, जब एल सी आर किस में होगा इन सीरीज, और फ्रीक्वेंसी क्या सेट की हुई है हमने, रेजोनेंस, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वन बाय अंडर रूट ऑफ एल सी। जब ये ट्रू है तो ये डेफिनेशन भी वैलिड है। तो इसके अंदर एल के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, करंट आई इंटू एक्स एल, आई इंटू आर, या फिर यहां से आई इंटू एक्स सी, आई इंटू आर, आई से आई कैंसल, एक्स एल का मतलब एल ओमेगा बाय आर, एक्स सी का मतलब वन बाय सी ओमेगा इंटू आर। तो ये वैल्यू आ गई। अब क्योंकि ये पूरा एक्सपेरिमेंट किस पे हो रहा है, ऑन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस पे हो रहा है, रेजोनेंस के ऊपर फ्रीक्वेंसी क्या सेट की हुई है रेजोनेंस की, तो इसमें अगर मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को पुट करूं अंडर रूट ऑफ ओमेगा की जगह वन बाय अंडर रूट ऑफ एल सी, और मैं एल को अंडर रूट के अंदर ले जाऊं, तो मेरे पास आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। उसी तरीके से अगर मैं यहां पर ओमेगा की वैल्यू को पुट करूं और इस बार मैं सी को अंडर रूट के अंदर ले जाऊं, तो मेरे पास आंसर फिर से एग्जैक्टली सेम ही आएगा। तो ये नई डेफिनेशन है क्यू वैल्यू की। वैसे वो डेफिनेशन ज्यादा बेटर थी, शार्पनेस वाली, उसका लॉजिक समझ में आ रहा था। ये लंबी डेरिवेशन है, तो ये भी दो फॉर्मूलाज आप नोट कर लें। आपको क्यू वैल्यू बस इतना पता होना चाहिए, मैथमेटिकली सफिशियंट है, ठीक है।